ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಅವಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಸದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿಕ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧರಣಿ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಎಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ದೆಹಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ कोई अधिकारी नहीं आया है इन बच्चों का अपने हाल पे छोड़ा हुआ है मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है ये सीधे सीधे मर्डर है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए सबकी जिम्मेदारी बनती है नंबर वन नंबर टू ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं इनके माँ बाप कैसे कैसे कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि तीन मरे हैं या ज्यादा मरे हैं जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए और तीसरी बात ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है दिल्ली वाले इंजॉय कीजिए ये इंजॉयमेंट है ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए मंत्री को तुरंत आना चाहिए मेयर को तुरंत आना चाहिए इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी दिल्ली देश की राजधानी है आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द पार्लियामेंट जांच तो बहुत करवाते ही है एक्शन क्या होता है अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया तो ये कोई तरीका है ये जांच बिल्कुल बेमानी है एफआईआर होनी चाहिए इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए और वो काउंसलर कहाँ है बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो उस काउंसलर की जान बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती ना ही एमसीडी की मेयर आई